Hi guys, welcome back to my channel. And आज का जो टॉपिक है आपने कैप्शन देख लिया होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉइस्चराइजर्स दैट आई हैव बीन यूजिंग सिंस एटलीस्ट टू ईयर्स. एंड आई पर्सनली हैव ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, बट आई डू हैव मॉइस्चराइजर्स फॉर ड्राई एंड नॉर्मल एंड सेंसिटिव स्किन एज वेल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स. सो जस्ट लेट्स सी व्हाट आर दे, बट आई विल बी रैंकिंग देम अकॉर्डिंग टू द ईजिएस्ट अवेलेबिलिटी कम बजट, प्रोबेबली मेनली बजट. And I'm not ranking them according to what I like or dislike, because all of them I like. I have researched a lot on these moisturizers, and hence after that I bought. So personally, they all are good for me. But if you want to research on a particular one, you are free to do that. And if you want any kind of review for a particular moisturizer, so comment that also. Okay, so I'll be doing that as well. So anyways, let's just see what are they. So सबसे पहले आता है this Vaseline one. Okay, so now people will be there ki petroleum is not good for our skin, this that. Point is, it's good for skin provided it has been filtered a lot. I think it's triple purification, purity guaranteed, yes. And it is from HUL, and I don't think that you need to hate this brand. I mean, this has been a heritage brand, so yes, you can trust on this product. Point with different skin types. ड्राई स्किन वाले आप यूज़ कर सकते हैं इसको, आपके स्किन बैरियर के लिए ये काफ़ी अच्छा है. मॉइस्चर लॉस नहीं होने देता, जो ट्रांसएपिडर्मल वाटर लॉस हो जाता है आपकी स्किन से वो नहीं होगा. एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑयली स्किन, आई वुड से यू कैन यूज इट ऑन योर स्पॉट करेक्टिंग लाइक फॉर एक्ने, एक्टिव एक्ने, क्योंकि एक्टिव एक्ने वो ज़्यादा अगर ड्राइनेस हो जाएगा तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगा. सो यू डोंट रिक्वायर टू यू नो लाइक ड्राइनेस नहीं होना चाहिए आपके एक्ने पे जब वो चला जाता है, थोड़ा सा फ्लेकीनेस भी आ जाता है. सो यू कैन यूज वेज़लिन अपॉन दोज फॉर ऑयली एंड एनीबडी हु हैज एक्टिव एक्ने. ओके, एंड फॉर लिप केयर ऑफकोर्स वी ऑल यूज इट. So yeah, these are basic things of Vaseline. And do I need to show you the texture? This is very obvious. We have been using this for ages, you know, ancestors bhi isko use kiye honge. So I don't think that I have to show you the texture. Anyways, if you want, I'll just show you in a next clip. So this, if you are thinking about the cost, so this is 120 rupees for 100 ml or 85 grams. Okay, piche yahan pe diya hua hai sara cheez. And regarding the texture, so here I have some kind of बहुत सारे टेक्स्चर्स दिखाने गाइस, तो मैं जल्दी जल्दी कवर अप करूँगी. सो इट सी, कैन यू सी, आप इसको एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ लिप ग्लॉस भी यूज़ कर सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ योर मेकअप. बट दिस इज़ वेरी यू नो लाइक एक लेयर क्रिएट कर देता है, एंड दिस इज नॉट वेरी ऑयली. आई मीन आई हेट दोज क्रीम्स विच आर वेरी ऑयली. इट्स हाइड्रेटिंग. ओके, लाइक अच्छा लगता है अगर एक लेयर हो जाता है, फील होता है कि आपको बाहर का जो एक एनवायरमेंट का प्रॉब्लम होता है, डस्ट पोल्यूशन आता है आपकी स्किन पे, वो स्टिक नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दिस क्रिएटिंग अ स्किन बैरियर. एंड ऑल्सो दिस इज क्वाइट गुड फॉर ड्राई स्किन. ओके ओके, सो क्विकली शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट वन. सो ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, गुडी ओल्ड, लाइक इट हैज़ बीन यूज बाई प्रोबेबली माई ग्रेट ग्रैंड मदर्स ऑल्सो. सो दिस इज निविया क्रीम, द बेसिक वन इन द ब्लू टब. नाउ अगेन यू विल से दैट ओ दिस इज टू ग्रीसी एंड ऑल दैट. ऑनेस्टली आई डोंट नो इफ यू फाइंड दिस ग्रीसी. येस, दिस इज थिक, बट इट इज़ नॉट ग्रीसी. अदरवाइज मैं इसको अप्लाई नहीं करती बिकॉज आई हेट दोज ग्रीसी काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर्स. सो वट आई डू विद दिस इज, दिस इज अगेन अ गुड ऑल्टरनेटिव फॉर you know, dry to very dry skin, you can use it. And also for oily acne prone skin, I would say that aap winters mein isko use kar sakte hain. And if you wish, you can use it as a spot correcting. This has healed a lot of my acne just by spot correcting, and I swear by this. So iske bahut sare sizes mein available hai, and also there are different kinds of price ranges also, but this is quite affordable. I feel this tub costed me around 310. Okay, and aapko discount milta rehta hai Nivea mein, so you can get it at least by 250 or something like that. And this is a huge tub, and I think that that is 200 ml. Sorry, I'm not able to find out. So yeah, this also contains mineral oil, that is paraffin and liquidum. Point with this is, it's again a good kind of occlusive that skin barrier ko aapko heal karne mein madad karta hai. So especially during winters, oily skin laga sakte hain, and for dry skin, I think throughout the season aap laga sakte hain. But in nights, it is preferable. This does has fragrance. The Vaseline was again fragrance free, but this does has a mild fragrance, the typical Nivea fragrance. And I have taken this much of amount, and can just see this is bit thick and it takes some time to blend. Okay, but after that again ek film type ka rehta hai, so I really like it, especially when I need to heal my acne. Ek thick layer mein acne ke upar laga leti hu, and the next day the acne calms down. Okay, so yeah, I really like it. So for oily acne prone skin, I would suggest it as a use this as a night time spot correcting, and for dry skin you can use it any time you wish. Okay, this is really 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 good, and I think ye tub hai, aur agar main isko as a spot correcting use karu to shayad 3-4 saal chal jayega. Okay, so let's move to the next one. So next again, I have something for dry skin. Again, the oily skin people can use this as a spot correcting or even as a lip balm, but this is the thing, this is Borulin, and this is really good, really good for especially if you have pigmented lips and if you want those
pink lips and soft lips. So this was somehow recommended by one of my friend. So I used to have very very chapped lips. So jitna zyada my skin oily hai, mere lips utna hi zyada dehydrated and dry hote the. Even if I drink a lot of water, whatever I do. And after using this, oh my god, even if main isko use na bhi karu kuch din tak, still my lips don't feel dehydrated or chapped anyway. So I used to stay in a certain weather condition where it was very dry and very, you know, like parched kind of place. So wahan pe bhi I have seen that after using this, my lips have been in its good condition. So yeah, Borolin is the key. And for dry skin, of course, aap isko face pe bhi laga sakte, but again, this has some mineral oil, paraffin wax. So be careful if you don't want. Don't use it, but I would recommend for dry skin you can use this. Okay, so dry skin needs that you know, a barrier for so that aapka jo water loss hai wo na ho, and especially during night aap isko laga ke layer laga ke aap so sakte ho. The next day when you wake up, you will have softest skin ever because it has worked on my lips a lot way. To skin pe to kehna hi kya. Okay, so I think these three were majorly the thick occlusives, which I would say that you can kind of quite similar in formulation and quite similar in the texture, those kind of things. So I have Pond Superlight gel, and then I have this Lakme Peach Milk. So yes, these two are heavily fragranced. Okay, let me warn you beforehand, these are heavily fragranced, but you know, there are a lot of content of fragrance. I think 4 to 5 contents. Aap agar ingredient dekh ke aap khareedte ho, to you will realize that there are a lot of fragrance. And I'm not a person who enjoys fragrance in their skincare most of the time. At times ke liye theek hai, you just feel good. It's a feel good thing, nothing else it does to your skin. But why I bought, I'll tell you the reason. So my reason of buying these were that I was sick of not finding a good moisturizer for oily and acne prone skin, and jo bhi mujhe milte the, they were very expensive. So in the long run, you, what if you can't afford it in the long run? So you needed something which is affordable as well as it works for your skin type and skin concerns also. So after a lot of research work, I got these Lakme Peach Milk and the Pond Superlight Gel. So the difference between these are, I would say, skin concern wise, if you want to enhance some, if you want to put some good skin ingredients in your face, then go for this, because this has, I think, third, fourth, fifth, sixth, seventh. The seventh ingredient here is niacinamide. So yeah, this helps in, you know, like lightening of the acne scars. Very mild, but still it works. But peach milk doesn't have something like that. It's purely propylene glycol based, glycerin, dimethicon, butylene glycol and dimethicon based. So isme utna zyada skin ingredient nahi hai jitna isme hai. Fragrance dono mein equally hai. I would suggest if you want to go for oily acne prone skin thing, go for the Pond's one. Lakme one, uske second mein aata hai. Okay, so this is the thing. I'll just show you the texture. These two can be used by oily acne prone skin, but not by the dry skin, because dry skin ko enough hydration nahi milega, itna zyada occlusive content isme nahi hai. So these are basically silicone and glycol mixed moisturizers, just a basic moisturizer. So let me just show you the textures quickly. So this one, this finger, I have the Lakme Peach Milk. This is peachy in color, like pink. Okay, and this is slightly baby blue color. It's Pond's Superlight. Okay, both are very very similar. Okay, this is also like gel type, and even this is your gel type. Okay, dono ke textures ekdam same hai. I find you know, like Superlight gel a bit more hydrating, not oily. Okay, hydrating, these are all water based, water and glycol basically. So yeah, I love the Pond's one better, and this is a bit cooling also. Isme shayad menthol hai, so yeah, I like the Pond's one. Okay, but both are my favorites when it comes to affordable and yet workable moisturizers. Kafi zyada hydrate kar deta hai mujhe to. Agar main raat ko isko laga ke soon, uske baad bhi subah utke bhi I feel my skin to be hydrated. Water loss nahi hota hai for oily acne prone skin. If you are a dry skin, you need to top some occlusive over this. So this will act as a hydrant for dry skin, and then you need to top it off with some kind of occlusives, like I showed you, like this one, Nivea or something like that. So you need to add some more hydration and cover, so that ट्रांसएपिडर्मल जो वाटर लॉस हो जाता है आपके स्किन से, वो नहीं होगा. ओके, सो नेक्स्ट वी. ओके, सो द नेक्स्ट वन, किसी भी स्किन टाइप को मैं सजेस्ट करूंगी ये चीज. एंड या फॉर ड्राई स्किन और वेरी वेरी ड्राई स्किन, आई वुड नॉट रिकमेंड टू पुट दिस ऑन योर फेस अलोन. यू नीड टू पुट सम ऑक्लूसिव अगेन ऑन टॉप ऑफ इट. दिस इज नॉट वेरी, यू नो, लाइक वेरी मॉइस्चरस नहीं है, इफ दैट इज अ वर्ड. इट्स हाइड्रेटिंग, बट इट्स नॉट वेरी मॉइस्चर प्रोवाइडिंग. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. दिस इज अ ह्यूज ट्यूब ऑफ एलो सूथिंग जेल. सो आप इसको एज इवन मल्टीपर्पज भी यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज इट ऑन योर हेयर, ऑन योर बॉडी, ऑन योर फेस,
ऑन योर फेस पैक्स, आई मीन इन योर फेस पैक्स, आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं, बट विद रेस्पेक्ट टू एज अ मॉइस्चराइजर, हाउ इज इट? सो फॉर ऑयल स्किन दिस इज अ गुड मॉइस्चराइजर, यू रियली डोंट रिक्वायर एनीथिंग ऑन टॉप ऑफ दिस, बट फॉर ड्राई स्किन और वेरी ड्राई स्किन और इवन फॉर नॉर्मल स्किन, आई वुड नॉट सजेस्ट टू पुट दिस अलोन ऑन योर फेस, यू नीड टू पुट सम काइंड ऑफ ऑक्लूसिव्स on top of it. So this is very clear gel and this does not contain any kind of fragrance, color or whatsoever. So I just took some amount of aloe vera gel. As you can see, this is completely clear, like crystal clear, like water, and it's just like water, okay? This does not contain any kind of fragrance, color or koi thickness bhi nahi hai. Oily skin ke liye and even for sensitive skin, this is really, really good. And for dry skin, of course, this will not be good for you alone. You need to top it off with again an occlusive. And I have shown few kind of occlusives for you in the beginning of the video, so you can add any one of them on top of this, okay? And this will work wonderfully. And aloe vera gel, we know that it's very good. Okay, this does not have higher percentage of aloe vera, because the aloe vera content is after phenoxynthol, so that's like after preservative. So I'm hoping that it is below 1%, but whatever it is, it works wonders. So aapko koi dikkat nahi hogi isse, and this costs also pretty less, like 550 or something for 300 ml of content. So yeah, pretty much it. And abhi tak maine aapko 5-6 moisturizers jo ki dikhaye hain, and most of them are below 500, so I think that's the affordable range. But the Innisfree aloe vera gel, wo 550 ka aata hai, but aapko discount agar hai, toh of course you will get it in below 500 kind of thing. And now let's start into some mid to higher range of moisturizers. So yes, I know, I mean, below 500 there are not very good ingredient kind of moisturizers, especially for oily acne prone skin, but jitna hai kaam chalao hai, aap यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. एटलीस्ट मेरे स्किन पे प्रॉब्लम नहीं किया है ये सारे. एंड फॉर ड्राई स्किन ऑल्सो आई डोंट थिंक दे विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज यू कैन ऑलवेज टॉप इट ऑफ विद एन ऑक्लूसिव, सो दैट यू गेट एनफ हाइड्रेशन, स्पेशली इन द नाइट व्हेन यू आर स्लीपिंग, सो यू डोंट वांट दैट वाटर लॉस फ्रॉम योर स्किन, ओके? एंड द स्किन बैरियर शुड बी हाइड्रेटेड एनफ. एनी वेज, सो लेट्स स्टार्ट विद द मिड रेंज एंड द हायर रेंज, ओके? सो द फर्स्ट मॉइस्चराइजर इन द मिड रेंज वुड बी, सो दिस इज सेबामेड क्लियर जेल. आप किसी भी वीडियो में देख सकते हो कि ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए अगर कोई मॉइस्चराइजर सजेस्ट करना होगा तो एवरीबडी विल बी, दिस इज द सेफेस्ट बेट आई वुड से फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन. दिस डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल इन्ग्रीडियंट एंड आई सिंपली लव इट, बट दिस इज बिट एक्सपेंसिव विद रिस्पेक्ट टू द क्वान्टिटी इट प्रोवाइड्स. सो दिस कंसिस्ट ऑफ 50 ml फॉर आई थिंक 450 और 470. Okay, so this is also under 500, but with respect to the quantity it is providing, this is expensive, okay? So yes, aap isko bhi under 500 consider kar sakte ho, but with respect to the quantity, this is not affordable, okay? So, and aap yahan pe padh sakte ho, it is written for oily, acne prone skin, free from oils and emulsifiers, and active natural moisturizers, allantoin and panthenol relief irritations. Okay, so this is pH balance, so our skin's pH balance is between 5 and 6, so this exactly contains 5.5 for the healthy skin. So Sebamed is a brand which consists of things which are quite pH balanced, whether it is hair care, whether it is skin care. I have used both of their hair care and skin care. I have been loving this skin care range more than the Sebamed's hair care. So this is very, very, very mild, okay? Aap kisi bhi active ke saath bhi isko apply kar sakte ho. So for oily acne prone skin, this is a blessing, okay? Blessing in a tube. But for dry skin, again, you can use this, but you need to top it off with an occlusive, okay? So for oily skin, this is a good one. Okay, so let's just check the texture. This is again, it's exactly like the aloe vera gel that I just now showed you. This is completely clear, no fragrance. I mean, fragrance free hai, koi paraben nahi hai, kuch nahi hai. Matlab, ye hai to oily skin ko kuch nahi chahiye, okay? But this is a very basic moisturizer. This does not contain any kind of such skin healing, some kind of active isme nahi hai. So if that is your concern, this is not the one. But agar aapke paas koi moisturizer nahi hai, aapke paas ye hai, you are sorted, okay? So I'll just quickly read. Okay, so this has hyaluronic acid, which we all know it is very good for any kind of skin, and babyliss, that is aloe vera basically, and panthenol and allantoin. So yeah, it's very, very clean ingredient list and very, very mild for oily acne prone skin. Aapko kabhi isse dikkat nahi hogi. You may find bit sticky in the initial stage while blending, but honestly mujhe aisa nahi laga. Maine kafi logo ko suna hai ki they feel some kind of stickiness with this initially, but after blending it all absorbs into your skin. But for me it was fine. I like little bit of hydration, but feel to honi chahiye, right? So this was around 470 or something like that, below 500 for 50 ml. And now we'll dive into the next one.
सो आई हैव दिस प्लम ग्रीन टी नाइट क्लैरिटी जेल नाइट जेल समथिंग लाइक दिस रिन्यूड क्लैरिटी नाइट जेल ग्रीन टी ओके सो द नेम इज क्वाइट माउथफुल सो दिस इज बेसिकली बैलेंस्ड हाइड्रेशन ओके एनीवेज सो दिस कॉस्टेड मी दिस इज ऑल्सो 50 ml एंड दिस अगेन कॉस्टेड मी समथिंग अराउंड जस्ट होल्ड अ सेकंड लेट मी जस्ट चेक द प्राइस ओके सो दिस कॉस्टेड मी 50 ml फॉर 575 बट अगेन आई ऑलवेज बाय थिंग्स ऑन डिस्काउंट लाइक हेवीली डिस्काउंटेड सो यस प्रोबेबली इट टुक मी 400 और 450 समथिंग लाइक दैट प्लम का भी रिसेंटली बर्थडे भी आया था तो उस पर मैंने ये लिया था Point with this moisturizer is I have used this previously like 1 or 2 years ago also. This is good but this is again heavily fragranced. As I mentioned with the Lakme Peach Milk and the Ponds Super Light. Again, this is similar line. ये same line पे है. इसके बस दो ही चीज़ ingredient extra है कि glycolic acid है. तो आप अगर night पे इसको as a night sleeping pack आप इसको लगा के सोते हो. तो in the morning you will see some kind of glow to your skin because this consists of the AHA. वो थोड़ा सा रात को ही ना वो एक्सफोलिएट कर देते हैं आपकी स्किन को थोड़ा सा सो या बट दिस अगेन कंसिस्ट ऑफ एडिड कलर एज यू कैन सी एंड एडिड फ्रेग्रेंस सो या दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक दिस इज अगेन जेल बेस्ड सो या फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन दिस इज वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन आई वुड नॉट रिकमेंड ओके जेल बेस्ड है आप देख सकते हो फॉर ड्राई स्किन आई वुड नॉट रिकमेंड बिकॉज ये नॉर्मल कोई मॉइस्चराइजर नहीं है कि आपने लगाया एंड उसके ऊपर आपने ऑक्लूसिव लगा लिया एंड यू आर डन विद द डे प्रॉब्लम विद दिस इज दैट इट कंसिस्ट ऑफ एज ए ओके सो इट एक्सफोलिएट्स your skin so for dry skin if you exfoliate wo aur dry ho jayega and you don't want that okay so hydration ke liye this is fine but this also consists of glycolic acid which I would not recommend to any dry skin people okay so for oily and acne prone skin you can go for it but provided added color hai and added fragrance hai if you don't want don't go I personally don't have any problem with this one because I have used this 1 or 2 years ago also so I bought a second tub of this this is good for a night sleeping pack aloe vera gel bhi aap use kar sakte ho for a thick layer of aloe vera gel you know raat mein sone ke baad but this also works good because this has kind of exfoliating throughout the night okay so let's see the next one so this is my recent finds this is Innisfree Bija Trouble Lotion this consists of bija seed oil from Jeju Island and salicylic acid सो नाम से आपको पता चल गया होगा दैट इट इज़ फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन दिस मॉइस्चराइजर सैलिसिलिक एसिड है अ गुड बीएचए एंड दिस विल बी दिस इज 100 ml फॉर आई थिंक इट कॉस्टेड मी अराउंड आई बॉट इट ऑन डिस्काउंट फॉर अराउंड 600 और समथिंग आई गॉट हैवी डिस्काउंट बट इट एक्चुअली प्राइजेस अराउंड 900 ओके सो 100 ml मॉइस्चराइजर यूजली आपको मिलता नहीं है सो या दिस इज अ गुड चॉइस इन इज फ्री एंड आई थिंक दिस हैज सम काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस या लिमोनिन इज देयर Alina Noon is also there. So yeah, fragrance hai. Okay, it is not fragrance free, but I personally didn't have any kind of problem with fragrance. Maybe sensitive skin walo ko issue ho sakta hai, but for dry skin, I would say that again you have to top it off. This is kind of milky gel like hai. ठीक है, थोड़ा सा thick है. I like it. Okay, for oily acne prone skin, this is a good one. Again, this will as it has salicylic acid. This also acts as an exfoliating moisturizer like the Plum one. Plum one has AHA that is glycolic acid in it, and this has salicylic acid that is BHA. So what BHA and AHA does, I will make a separate video. Otherwise, this video is going to be super long. Anyway, so I really like it, and yeah, it's like price to the quantity. The thing is good. Okay, like if you get this on a discount like me on 600 rupees and 100 ml of Innisfree, it's a good part. Okay, but yeah, this consists of some kind of fragrance. 2-3 elements of fragrance is there. So If you don't want fragrance, skip it. If you are okay with fragrance like me, use it. Okay, so talking about Innisfree again, I had this moisturizer. This is Green Tea Balancing Lotion EX. Okay, this is not the regular green tea seed serum wala jo aata hai. Us range ka nahi hai. Ye ek aur inka range tha, Green Tea Balancing Lotion, double squeezed green tea from the Jeju Island. Pata nahi kahan hai. Kabhi gayi nahi hu. Anyways, so guys, this one is 160 ml. ये उससे भी ज़्यादा है and उससे भी ज़्यादा किफ़ायती हो जाएगा when it comes to the price. Price was around I bought this around 1 or 2 years ago. इसकी shelf life शायद 3 years है. So I'm still using it and आप देख सकते हो यहाँ तक मैंने खत्म कर दिया क्योंकि मेरे दूसरे moisturizers में मैंने use करे थे. This again consists of fragrance, heavily fragranced, but I personally didn't have any problem with the fragrance. So yeah, this has fragrance. Fresh, you know, like it feels like you are applying something fresh. Okay. इसके साथ यही problem है packaging. इसका पैकेजिंग बिल्कुल अच्छा नहीं है सो आई डोंट रिकमेंड दिस विद रिस्पेक्ट टू ट्रैवलिंग बट अदरवाइज दिस इज अ गुड वन ओके वेरी वेरी हाइड्रेटिंग एंड फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन यू विल लव इट फॉर ड्राई स्किन अगेन आई वुड से दैट यू नीड टू पुट सम ऑक्लूसिव ओवर दिस अदरवाइज आपको वाटर लॉस होने के चांसेस है स्किन से एंड विच यू डोंट वॉन्ट ओके सो एनीवेज मैं वेस्ट नहीं करूंगी मैंने हाथ पे लगा लिया ओके नाउ लेट्स कम टू द बिट एक्सपेंसिव वन एटलीस्ट आई फील इट इज एक्सपेंसिव सो दिस इज बॉडी शॉप टी ट्री मैटिफाइंग लोशन दिस इज 50 ml फॉर 995 And body shop में बहुत ज़्यादा आपको सो द नेक्स्ट वन इज दिस
अवीन सिकल फिट क्रीम. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी फेमस मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन, इरिटेटेड स्किन एंड सेंसिटिव स्किन एज वेल, बिकॉज दिस कंसिस्ट ऑफ सल्फेट. वेर इज इट? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक द इंग्रीडियंट लिस्ट. दिस इज दिस ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड आई थिंक मैग्नीशियम. वेर इज इट? या जिंक सल्फेट, सल्फेट, कॉपर सल्फेट. ओके, सो बिकॉज ऑफ कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड जिंक ऑक्साइड, सो जिंक ऑक्साइड एक्ट्स एज अ सनस्क्रीन टू योर मॉइस्चराइजर एंड जिंक. सो एज आई वॉज सेइंग, दिस कंसिस्ट ऑफ जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट. सो कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट बेसिकली हेल्प्स टू हील योर wounds or any kind of irritation on your skin. So this is very good for people who have eczema prone skin, who have very dry parched skin, and also for oily acne prone skin, because you will be asking that why do I have this with me. So because of any kind of active acne you have, just use this as a spot treatment. So this is 40 ml, and this costed, it actually costs 1200, but I got this 900, so I just got some kind of discount. But point is that this is very good for dry, eczema prone, irritated skin barrier jinka kharab ho chuka hai waisa skin, and also for sensitive skin. And for oily acne prone skin, this will not act as a whole face moisturizer, but you can use it always as a spot treatment, and I have used it. It has worked pretty okay, not very good, but pretty okay. And I think this will be very good for the dry skin people. Okay, and let me just show you. This is also like the texture is kind of like borulin, but lighter than borulin. Okay, so this is the texture. This is lighter than borulin. Okay, borulin bahut zyada ekdam white white ho jata hai, right? This is lighter than that. It is thick, not very thick. So oily acne prone skin people can also use it as a whole face moisturizer, but raat ko, that too in winters, don't use this during summers or monsoons or even in daytime. Just don't use this. This will be good for spot treatment, and if you want to use it as a whole face moisturizer, use it during the nights, especially in winter nights. Okay, for oily acne prone skin. Otherwise, normal ho gaya, dry ho gaya, eczema prone, parched, very dry, irritated skin. Or agar aapka skin barrier kharab ho chuka hai, agar aap sensitive skin ho, to bhi aap isko use kar sakte ho. You will not get any kind of purging or something else. Okay, but yes, this does contain of paraffin liquid. Mineral oil hai isme. So if you are someone who don't like that in your skincare, you can skip this. But I personally don't have problem, because this is from Abbott. This is from Aveen. What else you need? Okay, so quickly I have the last two moisturizers, and ये मेरे sample size में आए हैं, and firstly I do like both of them, but I will give you some honest mini review about these two. So firstly, this costed ये तो छोटा सा pack है मेरे पास, but इसका जो actual tub होता है, that is 450 ml, and it costs around 1600 or 1700, something like that. So this is Olay Retinol 24 Night Moisturizer, and this is fragrance free. Okay, so point with this has retinol. This is a treatment moisturizer. This is not like your रेगुलर मॉइस्चराइजर. सो अब तक मैंने जो भी मॉइस्चराइजर आपको शो किए हैं, हाफ ऑफ देम आर रेगुलर बेसिक इमोलियंस है, तो किसी में ओक्लूसिव्स है, किसी में हाइड्रेंट्स है, बेसिक मॉइस्चराइजर्स. ओके, एंड देन आई शोड यू फ्यू ऑफ देम विच कंसिस्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड्स और सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, बट दिस वन, ओके, दिस इज 8 grams. ओके, यहाँ पे भी लगा हुआ है. दिस इज क्वाइट गुड, बट दिस इज फ्रॉम प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एंड दिस इज मेड इन थाईलैंड. ओके, this is good, but I will not recommend this for after a certain age you can use retinols, like after 30 you can probably use, but not for people who are like 20 plus or even 25. Tak aap nahi bhi use karoge to chalega, 30 tak bhi aap agar nahi use karoge to bhi chalega. I'm not 30 yet, but I just bought this for the sake of trying it out, because this is sample size, you can see, otherwise main bada le leti. Theek hai, so this is the reason I took the sample size, and this is quite good, but it's very initial stage that I can make a point on this particular cream. So I cannot recommend 100%, because I have not seen any kind of retinol based results. It's a good moisturizer. Okay, so this costed me, so anyways, if you are 30 and above, aap try kar sakte ho. I'm not very very much into anti aging things, because oily skin, acne se fursat nahi milta, anti aging kahan se karu. So yes, I just bought this for trial, and if it works well, I can buy the bigger tub, but for now I'm not very much fond of it. It's a good moisturizer, बट इससे कुछ मुझे अलग इफेक्ट मुझे नहीं दिखा है, सो आई कॉन्ट टेल विथ रिस्पेक्ट टू दैट. टॉकिंग अबाउट अनदर, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, दिस इज अगेन द सैम्पल साइज, बट इफ यू बाई द बिगर टब, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2000 or 2100, समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज इनिसफ्री जे टू ऑर्किड एनरिच्ड क्रीम. इसके बहुत सारे वेरियंट्स आपको मिलेंगे, बट आई हैव दिस वन पर्टिकुलरली, एंड दिस इज अ मैजिक इन द टब. ओके, आई हैव लेफ्ट इतना. मैं यूजली इसको अंडर मेकअप अप्लाई करना पसंद करती हूँ, बट नहीं भी तो ये विंटर्स में काफ़ी अच्छा हाइड्रेंट होता है मेरे लिए, गुड अमाउंट ऑफ लग्जूरियस वेलवेटी फील आता है. दिस आई वुड सजेस्ट फॉर ड्राई स्किन पीपल,
कॉम्बिनेशन तब भी चल जाएगा. फॉर वेरी ऑयली स्किन आई डोंट नो हाउ विल यू लाइक इट. आई डू हैव वेरी ऑयली स्किन, ऑयल हर जगह से निकलता है, बट स्टिल आई एंजॉय दिस. सो आई डोंट नो, आई एम बिट इन डाउट विद दिस फॉर एवरीबडी. आई कैनॉट यू नो लाइक रिकमेंड 100% टू ऑयली एक्ने प्रोन स्किन दिस वन, बट फॉर मी इट हैज वर्क वेल. सो ये तो मुझे किसी प्रोडक्ट के साथ ही सैम्पल मिला था, बट इफ यू वॉन्ट यू कैन ट्राई आउट सम वेबसाइट वेर यू कैन गेट अ सैम्पल साइज वन. If you like it, you can purchase the sample size again and again. Otherwise, आप expensive वाले में invest कर सकते हो. So, yeah, oily acne prone skin के लिए मैं 100% recommend नहीं करूँगी. But you can just experiment wise, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो. But for me, this has worked really well. And for dry skin people, yes, you can go for this. आराम से आप जा सकते हो. You will feel so good, you know, like, मुझे ऐसा feel होता है that एक velvet, you know, like, skin smooth हो जाता है वैसा. And this has been a good thing, you know, like, good moisturizer. I don't know how to explain it, but this has been a good moisturizer. So drier weathers mein, I have been there in a very bad winter situation maybe, this has worked. So yes, this was all about my top 10, top 11 moisturizers. I'm all tired. Sorry, I just forgot one clip that I haven't shown you the texture of a few of the creams. So let me just quickly show you the textures so that after that I can wind up the video with the favorites out of top 10 or top 11, jo mere favorites hai, jo main बार 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 शायद परचेज करना चाहूँ, दस तो नहीं कर सकती. सो दीज वेर ऑल माई एक्सपेरिमेंटिंग वाला चीज़ एंड नाउ आई हैव रियलाइज दैट विच वन वुड सूट मी थ्रू आउट द टाइम. सो या आई टेल यू दैट ऑल्सो. ओके गाइज, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस ओलियो रेटिनॉल का टेक्स्चर. ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, मैं इसको ज़्यादा नहीं ले रही हूँ बिकॉज ये नाइट टाइम के लिए बना है क्रीम, तो मैं इसको नाइट पे ही अप्लाई करना चाहती हूँ. बट नाउ वेल द टाइम आई एम शूटिंग इट्स डे टाइम, सो आई कॉन्ट अप्लाई ऑन माई फेस. तो मैं आपको हैंड में ही ऐसे करके दिखा रही हूँ. दिस इज लाइक जेल काइंड ऑफ, ओके, बिट थिक, ऐसे इमिडिएटली वो ब्लेंड हो जाता है. ओके, एंड रिमेंबर इफ यू आर वेयरिंग दिस ओली रेटिनॉल वाला मॉइस्चराइजर, इफ एट ऑल इफ यू आर वेयरिंग, मेक श्योर टू वेयर अ सनस्क्रीन, अदरवाइज इट विल क्रिएट हैवॉक ऑन योर स्किन. सो बी वेरी वेरी स्केयर्ड ऑफ रेटिनॉल्स. ओके, एंड देन दिस वन इज जेजू. दिस इज अ बेसिक मॉइस्चराइजर बट दिस वर्क्स वेरी वेल. सो या जस्ट हैव दिस पचा पचा के यूज कर रही हूँ गाइस. सो दिस इज द टेक्स्चर ऑफ दिस. ओके, ये भी वैसे ही है, जेल टाइप के ही है, जेल और क्रीम के बीच का आप बोल सकते हो. ये थोड़ा सा थिक है देन दी रेटिनॉल वन, बट आई लव द टेक्स्चर ऑफ दिस. ओके, तो अब इसका टेक्स्चर देख लेते हैं. दिस इज बॉडी शॉप टी ट्री मैटिफाइंग लोशन. तो काफ़ी ज़्यादा हमने इमोलियंस वगैरह लगा लिए, तो आपने देखा होगा शाइन. लेट्स सी कि ये शाइन को रोकता है या नहीं. सो ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट काइंड ऑफ है, दिस इज नॉट क्रीम क्रीम या फिर सीरम टाइप का नहीं है. थोड़ा सा रनी है, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट. ओके, सो ये आपको एकदम ड्राई मैट फिनिश देता है. सो वंस इट्स एब्जॉर्ब, this has a heavy fragrance of tea tree. So if you don't like fragrance in your skin care, skip this. Otherwise this is a very good moisturizer. Okay, matte, एकदम dry हो जाता है. अभी तो मैंने इसको emollient के ऊपर लगाया तो उतना ज़्यादा dry नहीं हो रहा है, but it feels like nothing on my skin. Okay, like nothing. So yes, yeah, see, I'm feeling like dry. Okay, थोड़ा सा shine है बस, वो उससे पहले मैंने जो लगाया था उसके लिए, but yeah, it's completely dry. So yes, I think सारे का मैंने texture भी आपसे share कर दिया है. Now the exciting part, that कौन से मॉइस्चराइजर्स मुझे इन सब में से पसंद है, मैं वो आपको शो करती हूँ. एंड क्यों पसंद है वो भी मैं क्विकली शॉर्टली बता दूंगी. ओके, सो आई एम एक्साइटेड फॉर इट. सो आई हैव फोर शॉर्टलिस्टेड एंड दी मोस्ट यू नो लाइक वॉर्न एंड मोस्ट गो टू मॉइस्चराइजर्स व्हेन आई एम इन डाउट. सो सबसे पहले आता है एलोवेरा जेल. जब मेरे पास कुछ नहीं होता है तो आई कैन गो टू दिस वन. यू नो, जब आपकी स्किन थोड़ी सी अजीब सी बिहेव करती है या फिर आप खुद कन्फ्यूज हो कि क्या यूज़ किया जाए और किस लिए यूज किया जाए, गो फॉर एलोवेरा जेल. आई मीन गॉड, दिस इज फॉर एवरीबडी. ओके, हाँ, ड्राई स्किन के लिए उतना हाइड्रेटिंग नहीं होगा, बट फॉर ऑयली स्किन आप इससे काम चल सकते हो अच्छे से. ओके, एंड इन द सिमिलर लाइन आई हैव दिस सेबामेट क्लियर जेल. अगेन, गो टू, एब्सोल्युटली गो टू. जब कुछ ना समझ में आए आई ऑल्सो गो टू दिस, जब अगर एलोवेरा जेल भी नहीं होता है तब ये. एंड देन आई हैव दिस वन. ये थोड़ा थिक मॉइस्चराइजर है. विंटर्स में इफ आई वॉन्ट सम लग्जूरियस फील ऑन माई स्किन, आई वुड गो फॉर दिस इनिसफ्री जेजू ऑर्किड. ओके, पर्पल वाला, बट इसमें बहुत सारे वेरियंट आता है. आई हैव दिस जेजू ऑर्किड एनरिच क्रीम, जे ओ ई सी, आप इसको निमोनिक्स बना सकते हो. एंड द वेरी वेरी गो टू, द डेली थिंग, यू प्रोबेबली हैव गेस्ट, पॉन्ड सुपरलाइट जेल मॉइस्चराइजर. आई नो दिस इज हेवी फ्रेग्रेंस्ड, बट मुझे दिक्कत नहीं है. सो या आई सिंपली यूज दिस. सो या दिस एंड लेट मी जस्ट ट्राई टू या दिस. ओके, सो ये चार मेरे मोस्ट फेवरेट है. जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं इन चारों के पास जरूर चली जाती हूँ. और बाकी सारे मॉइस्चराइजर्स भी मेरे पसंद वाले हैं. इट्स जस्ट दैट
कभी उसमें कुछ एक्टिव्स होते हैं, जैसे दिस इनिस्फ्री वन हैज सैलिसिलिक एसिड इन इट, देन द टी ट्री वन हैज ऑल्सो सैलिसिलिक एसिड इन इट. तो हर टाइम ग्लाइकोलिक एसिड सैलिसिलिक एसिड वाला नहीं पसंद आता है, आई वॉन्ट समथिंग वेरी बेसिक. सो फॉर बेसिक ये चारों मैंने आपको दिखा दिया. एंड इफ आई वॉन्ट सम मॉइस्चराइजर विच कंसिस्ट ऑफ सम काइंड ऑफ एक्सफोलिएशन और सम काइंड ऑफ एक्टिव, देन डेफिनेटली आई गो फॉर द एच बी एच वन लाइक द प्लम वन, लाइक द इनिस्फ्री वन एंड द बॉडी शॉप वन. तो ऐसे ही चलते रहता है, इट डिपेंड्स ऑन द मूड एंड द स्किन कंडीशन आई एम इन. सो या दिस वॉज इट एंड आई होप यू लाइक इट. मैंने सबका ऑलमोस्ट प्राइस रेंज भी आपको बता दिया है, बिलो 500 एंड अबव 500 एंड अप टू 2000, एंड ऑल्सो द क्वान्टिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस एंड द टेक्स्चर्स एंड ऑल्सो विच स्किन टाइप एंड विच स्किन कंसर्न के लिए आप उसको यूज कर सकते हो. तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया है. सो जस्ट पुट सम लाइक ऑन द कंटेंट एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट और भी ज़्यादा स्किन केयर के बारे में एंड सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे. ओके, सो आई विल बी मीटिंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन.